जय हिंद डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आपके लिए वापस प्रीवियस ईयर की जो सीरीज हम लोग चला रहे हैं, उस सीरीज में आज अलग से एक पेपर लेकर के आए हैं। और ये पेपर आप लोग देखेंगे, कहीं ना कहीं आपको सिमिलरिटीज देखने को मिल रही होगी। पेपर में जो क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस के लेवल लगभग एक जैसे हैं, है ना। कई बार तो आपको पेपर में रिपीटेशंस भी देखने को मिल रहा है कि सर ये क्वेश्चन तो पिछले एआरओ में भी था, इस एआरओ में भी है। तो आज का पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा बच्चों, क्या कि इंडिया गेट किस शहर में स्थित है। अभी मैं कल भी आपको बोल के आया था कि इंडिया गेट वाला क्वेश्चन और गेटवे ऑफ इंडिया, ये दोनों आपसे पूछे गए थे किस एग्जाम के अंदर, भोपाल एआरओ के अंदर, ठीक है। और वापस यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि इंडिया गेट किस शहर में है। तो देखो, इंडिया गेट है दिल्ली में, इंडिया गेट कहाँ पर है, दिल्ली में, और गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है, गेटवे ऑफ इंडिया है मुंबई में, ठीक है। तो इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है बच्चों, इंडिया गेट स्थित है दिल्ली में, ठीक है। इंडिया गेट कहां पर स्थित है, दिल्ली में स्थित है। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा, उसका राइट आंसर क्या हो गया, दिल्ली, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड दिल्ली है ना। निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय सैन्य अकादमी स्थित है, भारतीय सैन्य अकादमी कहां पर स्थित है, इंडियन मिलिट्री अकेडमी, ठीक है। यानी कि एक प्रश्न बच्चों आपसे पूछा जाता है हमारे सैन्य संस्थान के बारे में, किसके बारे में पूछा जाता है, सैन्य संस्थानों के बारे में भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इंडियन मिलिट्री अकेडमी कहां पर है बच्चों, देहरादून में है। आईएमए कहां पर है, आईएमए देहरादून में है, ठीक है। एयरफोर्स एकेडमी कहां पर मिल जाएगी, हैदराबाद में मिल जाएगी, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलें, इंडियन मिलिट्री एकेडमी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है, है ना। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है, गुजरात में है पहले तो आप ध्यान रखना, और नदी ये पूछ रहा तो नदी हम लोग बता देंगे, नर्मदा नदी। कौन सा नदी बच्चों, नर्मदा नदी। तो देखिए आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ रहा है वो नदी के किनारे बसे हुए शहर से, एक क्वेश्चन पूछ रहा है नदियां या फिर उनके किनारे बसे हुए शहर या बांध परियोजनाओं से। तो आपका क्वेश्चन नंबर जो थर्ड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सरदार सरोवर बांध है नर्मदा नदी पर, किस नदी पर स्थित है, नर्मदा नदी पर। फिर निम्न में से कौन सा पर्वत चोटी संसार का दूसरा सबसे, है ना, सेकंड हाईएस्ट जो पीक है वर्ल्ड का, वो कौन सा है, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो पहली तो हम लोग पढ़ करके आए हैं माउंट एवरेस्ट, कौन सी है पहली, माउंट एवरेस्ट विश्व की पहली सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी बच्चों केटू गाडविन आस्टिन, केटू गाडविन आस्टिन जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी, और कंचनजंगा तीसरी सबसे ऊंची चोटी, कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे एग्जाम में हमें जो ऑप्शन मिले हैं वो कौन कौन से हैं, गंगा पर्वत, नंदा देवी, ठीक है, कंचनजंगा, केटू। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, केटू या गाडविन आस्टिन जो है वो संसार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। संसार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, केटू गाडविन आस्टिन, ठीक है। तो यहां पर यदि विश्व की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाता बच्चों तो हम बता देते माउंट एवरेस्ट को, लेकिन दूसरा सबसे ऊंची चोटी पूछी इसलिए हमने बता दिया केटू गाडविन आस्टिन को। अगला हमसे प्रश्न पूछा गया बच्चों, इतिहास से मौर्य वंश के संस्थापक कौन है, यानी कि मौर्य वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो मौर्य वंश के सबसे पहले संस्थापक थे बच्चों चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन आए, बिंदुसार आए, और बिंदुसार के बाद कौन आए, अशोक आए, ठीक है। ये तीन महत्वपूर्ण शासक हम लोगों को मिलते हैं किसमें, मौर्य वंश में, ठीक है। ये तीन महत्वपूर्ण शासक है किसके, मौर्य वंश के। सबसे पहले संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, दूसरे बिंदुसार और तीसरे अशोक, ठीक है। तो यहाँ पर संस्थापक पूछा है कि बताइए कौन फाउंडर है, मौर्य एम्पायर के फाउंडर कौन है, ठीक है। तो मौर्य जो आपका वंश है उसके संस्थापक कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक हैं। अगला क्वेश्चन देखो, रिपीटेड क्वेश्चन है, थार का जो रेगिस्तान है किस देश में स्थित है, थार का जो मरुस्थल है वो किस देश में स्थित है। थार का मरुस्थल हम लोगों से पूछा जा रहा है, मंगोलिया में है क्या, नहीं, यहां तो हम गोबी का मरुस्थल देख कर आए हैं, ठीक है। इजिप्ट को हम क्या बोलकर आए हैं, नील नदी का वरदान, किस नदी का वरदान, नील नदी का वरदान हम लोग कह के आए हैं, ठीक है, नील नदी का वरदान, ठीक है। नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, जहां पर हम लोग देखते हैं काठमांडू में मुख्यालय किसका, सार्क सदस्य देशों का, किसका, सार्क का मुख्यालय है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन का। और भारत का जो राजस्थान वाला क्षेत्र है, भारत के राजस्थान वाले क्षेत्र में कौन सा मरुस्थल है बच्चों, थार का मरुस्थल है, कौन सा मरुस्थल है, थार का मरुस्थल स्थित है, थार का मरुस्थल स्थित है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंडिया। क्वेश्चन नंबर सेवन की तरफ हम लोग बढ़े,
तो निम्नलिखित में से कौन सा सम्राट अशोक के पिता थे? सम्राट अशोक के पिता के नाम पूछे जा रहे हैं, तो वैसे भी आप ऑप्शन देख के आसानी से समझ जाओगे। वीरभद्र है ना, अभी थोड़ी देर पहले मैं तीन शासक आपको बता कर आया हूँ, उन तीन शासक में आपको सिर्फ जाना पहचाना नाम कौन सा दिख रहा है बच्चों? बिंदुसार। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन आए? बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद अशोक। तो अशोक के पिता का नाम क्या है? अशोक के पिता का नाम है बिंदुसार। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़े। तो किस देश को हजारों झीलों की देश या हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है? किस देश को हजारों झीलों की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो बच्चों फिनलैंड को हम क्या कहते हैं? फिनलैंड को हजारों झीली की भूमि कहते हैं। हजारों झीलों की भूमि किसे कहते हैं? फिनलैंड को। ठीक है, फिनलैंड को क्या कहा जाता है? हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है। हजारों झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? फिनलैंड को कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग बढ़े। क्वेश्चन नंबर 9, दिल्ली किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो दिल्ली है, आगरा है, हमीरपुर है, इटावा, ये सारे के सारे जो शहर हैं ये किस नदी के किनारे बसे हुए हैं? ये बसे हुए हैं यमुना नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे। दिल्ली, यमुना, आगरा, इटावा, हमीरपुर, बांदा, ये सभी जो शहर है बच्चों किस नदी के किनारे बसे हुए हैं? यमुना नदी के किनारे। बाकी गोमती के किनारे हम लोग देख कर आ चुके हैं क्या क्या? लखनऊ और जौनपुर किस नदी के किनारे है? ठीक है, और सरयू नदी के किनारे कौन बसा हुआ है? अयोध्या। ठीक है, अयोध्या शहर किस नदी के किनारे बच्चों? सरयू नदी के किनारे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े। क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारा है, निम्न में से कौन भारत के लोह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं? लोह पुरुष बच्चों काफी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, है ना। लोह पुरुष हम लोग किसे कहते हैं? आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो सरदार पटेल साहब को हम क्या कहते हैं? लोह पुरुष कहते हैं। सरदार पटेल साहब को क्या कहते हैं? लोह पुरुष कहते हैं। सरदार पटेल साहब को क्या कहा गया है? लोह पुरुष। फिर अगला देखो, महाराष्ट्र राज्य की राजधानी, यानी कि एक क्वेश्चन राजधानी वाला आ गया। ठीक है, हमारी कल चर्चा हुई थी कि हर पेपर में कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन राजधानियों से संबंधित पूछा जा रहा है। तो महाराष्ट्र राज्य की राजधानी क्या है बच्चों? मुंबई है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की लखनऊ है, और देश की राजधानी दिल्ली है। इलाहाबाद एक शहर है, प्रयागराज जिसको हम लोग कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। तो लोकसभा के सदस्य कैसे चुने जाते हैं? पॉलिटी से क्वेश्चन है बच्चों हमारा। ठीक है, संविधान से कि लोकसभा के जो सदस्य है उसका चुनाव कैसे होता है? तो बच्चों लोकसभा के सदस्य के चुनाव में हम खुद वोट डालते हैं। ठीक है, आम जनता क्या करती है? वहां पर वोट डालती है, लोकसभा के सदस्यों को चुनती है। ठीक है, तो देखो परोक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों के द्वारा बच्चों पहले वाले का यहाँ पर कुछ थोड़ा सा ऐड हो गया है। आप पहला सेंटेंस सिर्फ यहीं तक ही समझिए, है ना। इनडायरेक्टली, परोक्ष रूप से निर्वाचित, इनडायरेक्टली ध्यान रखना, इनडायरेक्टली मतलब अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष मतलब क्या होता है कि मान लीजिए ए सदस्य इस ए ने बी को चुना है, और फिर बी लोग मिलकर के सी को चुनेंगे, मतलब अप्रत्यक्ष हो गया, और ये हम जनता है। ठीक है, ये हम जनता है, ये जनता के प्रतिनिधि है, और ये जनता के प्रतिनिधि यदि उनका चुनाव करते तो अप्रत्यक्ष होता, और जनता स्वयं उनका चुनाव कर रही है मतलब प्रत्यक्ष है। दूसरा, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल, है ना, कि जनता के द्वारा सीधे निर्वाचित होते हैं। तो बी ऑप्शन हमारा सही है बच्चों। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? डी ऑप्शन, बी जो बॉम्बे है वो हमारा ऑप्शन सही है कि लोकसभा के सदस्य का चुनाव जनता खुद करती है सीधे। ठीक है, डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ जनता तो दोनों जगह लिखा हुआ है, लेकिन एक जगह लिखा उसने इनडायरेक्टली और एक जगह लिखा डायरेक्टली। तो जनता कैसे चुनेगी आपको? सीधा चुनेगी। किसको? लोकसभा के सदस्य को। फिर अगला देखिए, भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी कहाँ स्थित है? तो भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी बच्चों गुजरात के जामनगर में। गुजरात जो हमारा राज्य है, इस गुजरात के जामनगर में है ना रिलायंस पेट्रोलियम की एक सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी विश्व की, है ना, भारत ही नहीं जबकि विश्व की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है जामनगर गुजरात में। और किसकी? रिलायंस पेट्रोलियम की है। किसकी बच्चों? रिलायंस पेट्रोलियम की। इसकी दो यूनिट है, एक इंटरनेशनल और एक हमारे देश के लिए डोमेस्टिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पे बढ़िए आगे। सामाजिक वेबसाइट फेसबुक, जो आपका सोशल वेबसाइट है फेसबुक, इसके निर्माण जो है वो किसने किया है? सुंदर पिचई ने, रतन टाटा ने, मार्क जुकरबर्ग ने, ग्राहम बेल ने। ठीक है, तो रतन टाटा जी का आपने देखा होगा, टाटा एक बहुत बड़ा ग्रुप है, ऑटोमोबाइल है ना कंपनी में काम करता है। ठीक है, ग्राहम बेल आपने सुना ही होगा, ग्राहम बेल है ना, जिन्होंने किसकी खोज की है? टेलीफोन की। ठीक है, और मार्क जुकरबर्ग जिनने किसकी खोज की है? मार्क जुकरबर्ग जिन्होंने फेसबुक का निर्माण किया है। ठीक है, तो सोशल साइट जो फेसबुक है उसके निर्माणकर्ता कौन है? मार्क जुकरबर्ग है। कौन है? मार्क जुकरबर्ग। ठीक है,
फिर नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा बच्चों, संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा द्वीप, यानी कि ये क्वेश्चन ये इंडिकेट कर रहा है कि विश्व में बड़ा छोटा का भी योगदान हमारे पेपर में बहुत ज्यादा है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है, इसमें हम क्या बोल रहे हैं कि संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है। संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा बच्चों? ग्रीनलैंड। द्वीप समूह पूछता तो हम इंडोनेशिया बता देते, लेकिन संसार का सबसे बड़ा द्वीप पूछा है तो हम लोग किसको बता रहे हैं? ग्रीनलैंड को बता रहे हैं। ठीक है, तो आज का प्रीवियस सीरीज का बच्चों लास्ट क्वेश्चन था। ऐसे ही इसी तरह के सीरीज में आपको प्रीवियस क्वेश्चन यदि बच्चों देखना हो तो इस तरह का हमारा रोजाना एक सीरीज आ रहा है। ठीक है, इस वाले नए जो बच्चे जुड़े हैं तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।